सपना अच्छा देखो, बहुत बड़ा देखो, तभी कुछ पूरा होगा लाइफ में, तभी कुछ मिल पाएगा। अगर आपको कुछ पाना है, और बहुत कुछ अगर पाना है, तो पहले उसका एक सपना देखो अपने विचारों में। मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं जो रात को सोते समय आप देखते हैं, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें किस तरह से सोचेंगे, बैठ करके, लेट करके, आंखें बंद करके। तो आइए पहले आंखें बंद करते हैं सभी लोग, और सीधे बैठना। अगर बैठ के कर रहे हैं तो सीधे बैठना, कमर बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन सामने की तरफ है, और शरीर को थोड़ा सा लूज कर दीजिए। हाथ खुले हुए घुटने के ऊपर रख लें इस तरह से, और आंखें पूरी तरह से आराम से आंखें बंद कर लें। बंद कर ली सबने आंखें, ओके। अब आप मेरे साथ रहेंगे, मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे आपको अपने विचारों को बदलना है। मेरे हिसाब से आप सबकी एक अलग दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया को महसूस कर लो कि ये मेरा संसार है, और उस संसार में स्वर्गों जैसी बनावट, जैसा जिस तरह से स्वर्ग में बने हुए महल होते हैं, उस तरह का तुम्हारा एक अपना महल है। उस महल में बहुत ही सुंदर सुंदर कमरे हैं, और ये सब तुम्हारा है। ये जितने सारे कमरे हैं उस महल में, जितना बड़ा वो महल है, वो सब तुम्हारा अकेले का है। तुम उस महल के मालिक हो। उस महल में बहुत बड़े 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 गोदाम जैसे कमरे बने हुए हैं, लंबे लंबे। प्रत्येक कमरे में रैक्स लगी हुई हैं, और वो सारी अलमारियां नोटों से भरी हुई हैं। एक एक हजार रुपए के नोट की गड्डी हर अलमारी में भरी हुई रखी है, वो आपकी है, स्वयं की संपत्ति है वो। खूब सारी गड्डियां जो अरबों खरबों रुपए हैं उस कमरे में। ध्यान से देखो, महसूस करो उस कमरे को, जिसमें हजार हजार रुपए के नोट वाली पूरी पूरी गड्डियां, एक गड्डी 1 लाख रुपए की होती है, ऐसी लाखों गड्डियां आपके उस कमरे में भरी हुई हैं। बहुत बड़ा गोदाम है। उस गोदाम में नोटों के अलावा और कुछ नहीं है। फर्श से लेकर छत तक, ऊपर सीलिंग तक, पूरा गोदाम नोटों से भरा हुआ है, वो तुम्हारा है। खुश हो लो उसको देख करके, खूब मन ही मन प्रसन्न हो जाइए, आनंद लीजिए उस अपार संपत्ति का। वो तुम्हारी है, तुम उसके मालिक हो। लिपटा लो उसको अपने शरीर से, बंद आंखों से हजार हजार रुपए के नोटों की गड्डियों वाले उस कमरे में आप ही हैं, और उसको अपने गले से लगा रहे हैं। पूरी समृद्धि है आपके पास, बहुत खुश है, खूब मन ही मन आनंद लो उसका। आइए चलते हैं आपके दूसरे गोदाम में, जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ है, ईंटों के आकार का सोना, बड़ी बड़ी चट्टानों के आकार का सोना है, टाइल्स के आकार का बड़ा बड़ा सोने के बिस्किट हैं, सोने के बर्तन हैं उस कमरे में। नीचे से लेके ऊपर तक वो पूरा कमरा सोने से भरा हुआ है, वो तुम्हारा है, ले लो उसको, ग्रहण कर लो और खुश हो जाइए, ये तुम्हारा है।
तीसरे कमरे में चलते हैं। तीसरा गोदाम आपका भरा हुआ है चांदी से, सफेद सफेद चांदी की ईंटें, सफेद सफेद चांदी के बड़े बड़े बर्तन चमक रहे हैं उस कमरे में भरे हुए, वो सब तुम्हारा है। और खुश हो जाइए और प्रसन्न हो जाइए उसको देखकर। आइए अगले गोदाम में देखते हैं क्या है। हीरे, हीरे चमक रहे हैं पूरे गोदाम में, नीचे से लेकर ऊपर तक डायमंड्स सब आपके हैं। सबसे ज्यादा खुश हो जाइए, आपके पास अपार संपत्ति है, आप इस समय अपार संपत्ति के मालिक हैं। कुबेर का भंडार आपके पास है, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। खूब पैसा है आपके पास, खूब आनंद ले रहे हैं। अब इस पैसे से, इस संपत्ति से आपको कुछ नेक काम करने हैं, तो देखो कहीं झुग्गी झोपड़ियां जहां भी तुम्हें नजर आती हैं इस धरती पर, वहां तुम अच्छे अच्छे मकान बनवाते जा रहे हो। लग जाइए काम पर, इस अपार संपत्ति को लेकर परोपकार के कार्यों में लग जाइए, और उससे जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसको अभी कभी महसूस कर लीजिए। सब लोग आपकी वजह से सुखी हो रहे हैं, किसी का भी कोई दुख नहीं रहा है, आपने उन सब के दुखों को मिटा दिया है, मिटा रहे हैं। सीन क्रिएट करो, एक गरीब परिवार आपके सामने खड़ा है और कह रहा है हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, बच्चों की शादियां करानी है, पैसे नहीं है। आप उसको इन सब जरूरतों को पूरा कर रहे हो, पैसे दिए जा रहे हो उसको कि जाइए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लीजिए, और बहुत खुश हो गए आप इस काम से, आपने इतना अच्छा काम कर दिया, किसी की आवश्यकता की पूर्ति आपसे हुई है। बहुत ही संतुष्टि का भाव है यहाँ पर, पूर्ण संतुष्ट हो जाइए, खुश हो जाइए, आपने बड़ा ही नेक काम किया है। ऐसे हजारों लाखों गरीबों के परिवारों को आपने समृद्धता की तरफ पहुंचा दिया है। ऐसे नेक काम आप करते जा रहे हैं, कहीं भी कोई दीन दुखी देखते हैं, कहीं भी कोई समस्या देखते हैं, उस समस्या का निराकरण आप कर रहे हैं, आप उस समस्या का समाधान है। महसूस करिए आप ही सारी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, आपकी वजह से ही संपूर्ण विश्व में शांति हो रही है, कहीं पर किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रहा है, सभी समान हैं, आपकी वजह से हुए हैं, आपने सबको समान बनाया है, आपने गरीब को अमीर बना दिया है, सभी अमीर हो गए हैं, चारों तरफ आपको अमीर अमीर ही लोग दिख रहे हैं, और आप उन सब अमीरों के मालिक हैं, आपने ही उन अमीरों को बनाया है, आपकी वजह से सभी सुखी हो रहे हैं। इस बात का सुख आप अपने अंदर महसूस कर लीजिए कि मेरी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है, जहां मैं देखता हूं देखती हूं वहां पर अच्छा हो जाता है, कहीं भी कुछ बुरा नजर नहीं आ रहा है, सब तरफ अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं, सब तरफ मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है, आप स्वयं आनंद में हैं, बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों के आप मालिक हैं, चारों तरफ रोशनी आपकी जगमगा रही है, आप ही हर तरफ रोशनी बनकर फैले हुए हैं। महसूस करते जाइए, खुश होते जाइए, आनंद लेते जाइए, भरपूर आनंद, पूरे आनंद में डूबे हुए हैं इस तरफ, बहुत ही खुश हैं, आपके चेहरों पर एक दिव्य मुस्कान है, ईश्वरीय मुस्कान आपके फेस पर है। किस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि आपके पास इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी सभी आवश्यकताओं की तृप्ति हो चुकी है, आपको जो चाहिए था वो आपने पा लिया है,
और आप सब तरफ बांट रहे हो, पाने के बाद बांट रहे हो, और बांटने के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसको महसूस करते रहिए, अभी का भी आनंद लेते रहिए। इस तरह से करने से सारे सुख समृद्धि आपके पास स्वयं चल करके आ रहे हैं, आपके ऊपर बरसात हो रही है, धन संपत्ति की बरसात हो रही है, चारों तरफ से धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ आपके पास चल चल के आ रहा है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। आप डूबे हुए हैं, आप खुशियों से डूबे हुए हैं, आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नाच रही हैं। आप उन खुशियों में ओतप्रोत हैं, उन खुशियों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा महसूस करते रहिए। जितना ज्यादा आनंद अभी आप ले लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी आवश्यकताओं की तृप्ति होने वाली है। ऐसा महसूस करते रहिए कि आपने सब कुछ पा लिया है, आपकी कोई डिमांड नहीं है, इस समय आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद ही आनंद चाहिए। आनंद में डूबे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से पूर्ण निश्चल आनंद ले रहे हैं आप, और यही आनंद आपको सब कुछ देता है। दुनिया की हर चीज की जगह ये आनंद ही है। आनंद में डूबे रहिए, धीरे धीरे आंखें खोल लो। कैसा लगा? अच्छा फील किया? मुझे बोलो कैसा लग रहा था? खूब मजा आ रहा था। शरीर में देखो इस समय कितना हल्कापन है, और इस तरह की बातों को सोचने से सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। इसलिए मैं यही शिक्षा दे रहा हूँ सबको कि इस तरह से अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाइए और जो चाहो वही पाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट नहीं बनानी है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, आपको सिर्फ अपने आप को तृप्त कर देना है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया है, मुझे किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं है। ऐसे भाव रोज रात को सोते समय, दिन में जागते समय, कभी भी जब आप फ्री हो, कहीं आप यात्रा कर रहे हैं तो बस में बैठे बैठे जा रहे हैं, बहुत दूर तक आपको जाना है, और अकेले बैठे हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ के अपना टाइम पास करते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, बस में जाते समय टाइम पास ऐसे करते हैं, वो सदुपयोग कर लीजिए उस समय का। वहां आप बैठ करके इस तरह की ही ख्वाबों में खो जाइए, सपना बड़ा देखो। जितना बड़ा सपना देखोगे उतने ही आप ज्यादा तरक्की करेंगे। आप अगर 90% की बात सोचते हैं तो आपको 60% प्राप्त होता है, तो जितना बड़ा देखोगे 100% देखिए तो कम से कम 90% तो मिले, ऐसी उम्मीद रखना है सबको। इसलिए जितना बड़ा सपना देख सकते हो जो असीमित है, उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है, उतनी बड़ी बात सोच लो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कराया कि आपको सब कुछ मिल गया है, आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपको प्राप्त हो चुका है, कोई आवश्यकता रही ही नहीं, और उसका जो आनंद है वो फील कर लीजिए। महसूस करना है आनंद को, एहसास, ये एहसास ही हमें कुछ दिलाने वाला है। इसी प्रकार का एहसास करते रहने से आपको प्राप्त हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने कहा था कि सुख और दुख ऐसी चीजें हैं जो घटाई और बढ़ाई जा सकती है अपने मन से, दुख को कम भी किया जा सकता है और सुख को बढ़ाया भी जा सकता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है इन विचारों में, तो करके देख लो। खुशियों को बढ़ाओ, जितनी ज्यादा आपको खुशी और आनंद को आप अपने अंदर निर्माण करेंगे आपके मन मस्तिष्क में, उतना ही आपको आनंद प्राप्त होने वाला है। और अभी आप सैडनेस अगर अपने अंदर फील करना चाहें तो अभी आपको रोना भी आ सकता है,
दुख अगर आप फील करना चाहें बैठ के थोड़ी देर आंखें बंद करके, हम ये कहें कि चलिए फील करिए कि आपको किसी न किसी बात से कष्ट है और आप रोना शुरू करें, तो थोड़ी सी देर में आप रो भी सकते हैं। रो सकते हैं ना सभी? जोर से बोलो, हाँ रो सकते हैं। और अभी हम हंसने के लिए कहें तो हंस भी सकते हैं। जैसा हम करना चाहते हैं वैसे हम हो जाते हैं। हम हंस भी सकते हैं, हम रो भी सकते हैं, तो क्यों ना रोने वाले को क्रॉस कर दें और हंसने वाले को राइट राइट निशान लगा के अपनी लाइफ में हंसने वाली चीजों को, खुशी वाली चीजों को ज्यादा से ज्यादा एज्यूम करें, डेवलप करें अपने अंदर। माने स्वयं को कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मुझे सब कुछ आ रहा है, मेरे पास सब कुछ है, और उस बात की जो खुशी है उसमें नाच भी सकते हैं आप। जब आप नृत्य करते हैं तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। ये मैंने जो भी प्रक्रिया कराई वो मेडिटेशन का ही एक हिस्सा है, एक ध्यान है। और ध्यान में अगर आप नृत्य करके ध्यान करते हैं तो और भी ज्यादा उसका वो आता है। जब आप कोई बात बोलते हैं विदाउट एक्शन बोलते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट कम आता है, लेकिन जब आप एक्शन करके कोई बात कहते हैं तो उसका एक मजबूत इफेक्ट जाता है लोगों में। तो इसी तरह से आनंद नृत्य में परिवर्तन हो जाना चाहिए। जब आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाए तो नाचने लग जाओ, आपकी शुद्ध बुद्ध खो जाए, सब कुछ आप भूल जाए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाए, फिर देखिए कितनी जल्दी चमत्कार होता है। आपने देखा बड़े बड़े संतों को खूब नृत्य करते हैं। मुस्लिम समुदाय में रश्क किया जाता है जो ईश्वर को खुश करने की बात करते हैं, जब कव्वालियों में नृत्य होता है, भजनों में नृत्य होता है, लोग झूम उठते हैं। जहां भी ईश्वर के नाम की चर्चा होती है और जहां आनंद बरस रहा होता है वहां लोग अपने आप ऐसे ऐसे करके झूमने लग जाते हैं, नृत्य होने लग जाता है। यानी कि जब नृत्य होता है तो शरीर से रोंगटे खड़े होकर के फिर वही वाइब्रेशंस बाहर आते हैं खुशी के, और वो चारों तरफ खुशियां फैलाते हैं आपके। आप जिधर देखते हैं उधर आपको खुशी ही खुशी नजर आती है जब आप ऐसा कर लेते हैं। इसलिए आनंद को पकड़ लो, एहसास को पकड़ लो अपने अंदर, और उसका आनंद लेकर के इसी तरह की बातों का, ये मेडिटेशन जो आज मैंने कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में आपने इसको अपना हिस्सा बना लिया तो बहुत जल्दी ही आप कुछ चमत्कार से आपको दिखेंगे, ये मैं गारंटी दे देता हूं। और मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा है कि 30 दिन की गारंटी है, 30 दिन खुशी के साथ, दो दो तीन तीन घंटे आप इसमें लग जाइए ऐसे कामों में, फिर देखो क्या होता है। 30 दिन में ही आपको कुछ ना कुछ सुराग नजर आएंगे कि आपका बड़ा अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लोग चल चल के आएंगे आपके पास खुशियां लेकर के कि ये खुशी ले लीजिए, ये आपके लिए थी, आपने महसूस की है इसलिए आपके पास चल के आई है, आपके पास फिर से आकर्षित होके आई है। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो आपके अंदर उत्पन्न करना है, आपके अंदर पैदा करना है आकर्षण। और वो आकर्षण क्या है? यही आनंद जो मैंने अभी आपको दिलाया। तो आनंद लेते रहिए, आकर्षित करते रहिए अपनी तरफ खुशियों को।